bless you. Happy birthday, birthday boy. Thank you. वेलकम बैक टू योर चैनल. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे नए साल के लिए, क्रिसमस के लिए. सो या आज 24th ऑफ डिसम्बर है और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है और उनके ऑफिस का भी हाफ डे था, तो मैंने उन्हें एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज़ दिया जो उन्हें बहुत पसंद आता है. मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छी सी मील डिसाइड करके रखी थी कि मैं ये बनाऊंगी उनके बर्थडे पे और उन्हें सरप्राइज़ करूंगी, तो बहुत अच्छी फीस्ट मैंने बनाई है. तो मॉर्निंग से मैं लगी हुई थी कुकिंग में और मेरा मन था कि मैं सारी रेसिपीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, बट ट्रस्ट मी, मेरे को 3 घंटे में सब कुछ कुक करना था, पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना था, क्लीन करके रखना था, गोविंद को भी संभालना था क्योंकि सुबह सुबह वो भी उठ जाता है और फुल एनर्जी में रहता है तो खूब शैतानी करता है. तो यस, मैं रेसिपीज़ नहीं शूट कर पाई बट मैंने काफ़ी कुछ बनाया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. और मुझे ये भी था कि अंशुल के घर आने से पहले मैं सब काम फिनिश कर लूँ जिससे कि उन्हें ये सरप्राइजिंग लगे. तो मैंने टेबल पूरे अच्छे से डेकोरेट कर ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है. इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इट्स अ ग्रेट डे. सब कुछ मेरे हबी के फेवरेट डिशेस मैंने कुक किए हैं. ये है मेथी मलाई पनीर जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, भरवा बैंगन, उसके बाद ये है चावल की खीर जिसमें मैंने केसर डाल के इसे ब्यूटीफुल येलो कलर दिया है, और चटनी, और ये है शाही पुलाव, और अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं नान. तो नान का आटा मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले बनाकर रख दिया था और मैं नान वगैरह बहुत ही कम बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि कितनी मैदा, कितनी सूजी वगैरह डालूँ. तो मम्मी को फ़ोन करके पूछ लिया था और मम्मी ने क्वांटिटी बता दी थी, तो काफ़ी अच्छी सी नान बनी थी, कुरकुरी सी नान थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था पूरा ही खाना. और मैंने काफ़ी कुछ रेसिपीज़ जो आज बनाई हैं वो ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, तो उनके जो भी लिंक्स होंगे वीडियोस के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी इन केस आप देखना चाहेंगे तो. और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नान बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और अंशुल तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये सारा खाना देख के, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज हम लोग अपनी ट्रेडिशनल इंडियन थाली में खाना खाएंगे. तो मैं ये इंडिया से इसी बार लेकर आई थी तो आज निकाली है उनको इसी सेक्शन प्लेट में मैं सर्व कर रही हूँ खाना. और ना बहुत अच्छा लगता है जब इस बड़ी सी प्लेट में सारा खाना आप जब लैविश खाना बनाओ तो सर्व करो तो बहुत ज़्यादा देखने में और खाने दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो बस अभी मैं सर्व करूंगी अंशुल को, गोविंद को हमने पहले ही खाना खिला दिया जिससे हम लोग आराम से अपना कैंडल लाइट लंच इंजॉय करें. वैसे लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं बट अंशुल का आज हाफ डे होने की वजह से हम लोग अपना कैंडल लाइट लंच इंजॉय कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, सारा खाना बहुत अच्छा बना था. आज का वेदर बहुत अच्छा है, ठंड बहुत कम है, आई थिंक मैक्सिमम टेम्परेचर आज 11 डिग्रीज जाने वाला है. तो हम लोग अपने पैटियो में आए हैं और गोविंद क्या कर रहे हैं? मैं झाड़ू लगा रहा है. गोविंद हेल्प कर रहा है मम्मा को क्लीन करने के लिए. और अंशुल अपने बर्थडे पे लगा रहे हैं शिमला मिर्च का पौधा. सारे बीज अपने इसमें डाले इसी हैं में. और ये पूरा का पूरा पीस जाएगा, ये कंपोस्ट अगर ऐड करता है तो इससे जल्दी प्लांटेशन होगा अगर आपने इसको कर दिया है ना. ओके, दिस इज़ द गुड थिंग कि आप अपने बर्थडेज पे, अपने एनिवर्सरीज पे एक छोटा सा प्लांट अपने घर पे लगाओ. हमने एनिवर्सरी पे तो नहीं लगाया था बट यस, गुड इनिशिएटिव हस्बैंड जी, थैंक यू. अच्छा आपको कैसा लगा आज फीस्ट? खाना बहुत अच्छा था. सरप्राइज कैसा लगा? एक्चुअली बहुत अच्छा था. वैसे मैंने कल फ्रिज में देख लिया था कि तुम क्या क्या प्रिपेयर कर रही थी, मुझे पता था. अभी मैंने कुछ ना प्री प्रेपरेशन ज़्यादा करी नहीं थी क्योंकि ना इन्हें पता चल जाता है, क्योंकि ये किचन में आते रहते हैं, इनको कुकिंग का बहुत शौक है तो फ्रिज वगैरह खोलना और वो सब वो करते रहते हैं, तो इसीलिए. बट चलो कोई बात नहीं, आपको पता था वैसे मैं क्या एग्जैक्टली बनाने वाली हूँ. मैंने थोड़ा सा बैंगन की तैयारी रखी थी और पनीर कर बाहर देखा था और कुछ आइडिया नहीं था कि तुम ये बनाने वाले. आई हो
होप आप लोग क्रिसमस बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने के साथ, मस्ती के साथ, और बच्चों को तो बहुत सारे टॉयज मिले होंगे। तो आज क्रिसमस इवनिंग है और मैंने कल दोपहर के बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कल ना इतना ज़्यादा हैवी मील हो गया था। खाने के बाद हम तीनों सो गए एंड शाम को शायद 6:30 के अराउंड उठे थे एंड उसके बाद हम लोग ना रेट्रो मूड में चले गए। हम लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी पुरानी मूवीज़, शोले से लेके पता नहीं दिल तो पागल है और अजनबी और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ देख डाली कल पूरा रात को 2 बजे तक बैठ के। लास्ट मूवी हमने परमाणु देखी और हर मूवी लाइक ऐसा देख रहे थे, 35 मिनट्स देखी फिर चेंज, 40 मिनट्स देखी फिर चेंज, एंड ऐसे बिंज वॉच कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। फिर आज लेट उठे और कुछ कुक तो करना नहीं था तो पूरा दिन लेजी लेजी चल रहा था, बट मैंने सोचा था कि आप लोगों को क्रिसमस पार्टी में ज़रूर लेके जाऊंगी, अपने साथ दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या मस्ती कर रहे हैं। और अभी मैं गोविंद को दिखाती हूँ एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी हिज एक्साइटमेंट कि उसको जब वो नया टॉय मिलेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। एंड यस, आज अंशुल ने बनाया है पनीर टिक्का, मैरिनेट वगैरह हमने आफ्टरनून में किया था, बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया था, बट देन आज पता नहीं क्या हुआ, कुक करते वक्त ना सारा पनीर हमारा क्रम्बल कर गया, पनीर थोड़ा सा सॉगी सा हो गया, आई डोंट नो व्हाई। हमने जबकि जो दही लिया था वो भी हंकर्ड था, काफ़ी थिक था तो पानी वगैरह ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बट अंशुल ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखी है, आई होप सब लोगों को वहाँ पे पसंद आए, एंड मुझे तो भूख लग रही है सोच सोच के कि कितना अच्छा अच्छा खाना होगा वहाँ पे, ना बहुत सारा खाना होने वाला है। अभी मैं लेने जा रहा हूँ न्यू ट्रेन का टॉय। Going excited? Yay!
Oh my god, Govind, kya hai? Dekho. Khelega isse? Yes. Hai? Mama ko bolo hello. Hello. Are you excited? Yes. Okay, ek kaam karo. Pehle isko ja ke dustbin mein fek ke aao. Go. Ja, dustbin mein dal ke aao. गोविंद तो आते ही लग गया है अपने टॉय में जो उसे सेंटा से मिला है, एंड आई थिंक आज उसे सुलाना बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आप तो जानते हो बच्चों को नया खिलौना मिल जाए ना तो उसके सारे खिलौने अब उसके वो सबको साइडलाइन कर देगा, अब बस नया वाला जो है ना उसके साथ मैक्सिमम टाइम तक प्ले करेगा, उसी के साथ सोना चाहेगा, उसी को अपने रूम में लाना चाहेगा। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो उसके न्यू टॉय जो अभी खेल रहा है उसको वो देती हूँ, उसके पुराने वाले छुपा कर रख देती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद जब वो भूल जाता है तो उसको पुराने वाले निकाल कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना बच्चों की एक्साइटमेंट बनी रहती है। बट यस, उसके न्यू टॉयज आते भी रहते हैं, तो या वो टॉयज से खेल रहा है। और पार्टी में तो बहुत ज़्यादा हमने फन किया आज, तो जो कपल गेम्स थे ना उसमें तो मज़ा ही आ गया, एंड जितना भी मुझसे शूट हो पाया वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो होप करती हूँ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपने ये 2 days इन माई लाइफ व्लॉग इंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आर फैमिली। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, DMs के थ्रू आपसे बात करती हूँ। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे को ज़रूर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे। एंड फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय। मिस्टर सेंटा, क्रिसमस तो मेरा भी था, वेयर इज माय गिफ्ट? दैट शेप इज योर गिफ्ट। बच्चे का टॉय से शेप बना के ये मुझे गिफ्ट मिला है, तो दिस इज माय क्रिसमस गिफ्ट। गोविंद, विल यू शेयर योर क्रिसमस गिफ्ट विद मी? नो, मैं आपके साथ कोई शेयर करूंगा, मैं अपने साथ डैडी से शेयर करूंगा। ओके।